हेलो हेलो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 192 यानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। अब इनसे जानेंगे कि इस बार नगर निगम के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या मुद्दे बड़े रहेंगे इस बार आप लोगों के चुनाव में। सबसे पहले तो पानी की सुविधा, पानी की परेशानी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। जो पानी है यहाँ पर बहुत बदबूदार पानी आता है सारा। दिल्ली सरकार तो दावा कर रही है कि फ्री पानी फ्री बिजली दी जा रही है। फ्री खाली कहने का है, बाकी लोग तो अपने रोज बोतल खरीदते हैं उससे पी रहे हैं। और पानी इतना गंदा आता है, अगर आपको चेक करके दिखाएंगे तो उसमें ऐसा लगा जैसे गटर का पानी आ रहा है। सर हमारे नाले वाले साफ नहीं हो रहे बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। पता नहीं कौन सा इनका वो है MLA कोई भी क्या है जो हमारे नाले साफ नहीं कर रहा। हमारे घर नाले भरे हुए पड़े पड़े, बिल्कुल तुम कुछ काम ही नहीं हो पा रहा उनपे। ज्यादा समस्या यहाँ पे पानी की है। बच्चे मेरे दोनों बेटियां हैं, पानी इन्फेक्शन हो रहा है पेट में बहुत ज्यादा। 40 रुपए की बोतल डेली की लगती है, बताओ कहाँ से लाएगा गरीब आदमी। गैस पे भी बढ़ा दिए, और देखो क्या कि मैं बिजली का बिल भी ले रहे हो तो उसपे भी रीडिंग बढ़ के आ रही है। कहाँ से देंगे हम लोग अगर पानी का बिल, तुम बिल ले रहे हो पानी तो साफ देना चाहिए ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं तुम फ्री दो, में मत दो। पास्ता को लगाओ इटालियन तड़का, स्मिथ एंड जोन्स पास्ता मसाला, वेरी वेरी टेस्टी। नालियां भर रही है, कीचड़ जा रहा है घर में, और पानी गंदा पानी आ रहा है ना। मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और सांस फूल रहा पानी पीते ही, खांसियां हो रही है, गला खराब हो रहे हैं, दुनिया भर की बीमारी हो रही है। पानी इतना महंगा रहा, बोतल खरीदनी पड़ रही है, कहां से करेंगे। कूड़े का पहाड़ भी है आपके इलाके में, उससे भी परेशानी। बिल्कुल, कूड़े का पहाड़ है गाजीपुर में, इससे भी स्मेल आती है, मच्छर हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और डेंगू मलेरिया की तो इतनी शिकायत है ही यहाँ पे। कोई अभी तक फॉगिंग हुई भी नहीं है यहाँ, जबकि फॉगिंग करा लेनी चाहिए थी इस टाइम तो। क्या सोच के वोट करें। समस्या इतनी है कि बिगड़ से ज्यादा है, मगर यही दिक्कत है, सारी नाले वगैरह ये सब जाम बिल्कुल पड़े हैं, जिसमें कमी इतनी है कि दवाइयाँ बिल्कुल नहीं पड़ रही मच्छरों की। अब पानी तो वो गंदा है ही, जो है जो बात कही है क्लियर बिल्कुल ही, उसमें ये बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं इस चीज को। पब्लिक भूखी मर रही है और कुछ है, कोई समस्या नहीं है, इसके कोई कारण नहीं है। मर रही है, कल को मरती रहे, कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्या खा रहा क्या पी रहा क्या कुछ, कोई सौकार नहीं है। बिजली की समस्या इस प्रकार की, हमारे जितने भी दुकानदार छोटे दुकानदार बैठे जो 500 रुपये 400 रुपये डेली भी नहीं कमा पाते, उनका बिजली के बिल को 10-10 गुना कर दिया गया है। वो सारा जो फोकस था वो दुकानदारों में डाल दिया गया, चाहे दुकानदार छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसमें हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। सर वे हमारा रोड जो बने इसको 20 साल हो चुके हैं, ये रोड को बने कितनी बार लिख के दे चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या पानी की ज्यादा है, पानी सही नहीं आ रहा टाइम से, और पानी तो आ ही नहीं रहा कैसा भी, गंदा आ रहा पानी गंदा आ रहा है, और सीवर साहब जाम हो रहे, कोई सुनवाई नहीं कैसे भी। यहाँ पे 5-6 महीने को रोड टूटा हुआ है, मतलब कोई सबको विधायकों को बोला, सब नेताओं को कहा है सर कि यहाँ पे मैसर यहाँ पे आते जाते हो बोर्ड के लिए, आप सब लोग मांगने आ जाते हो, पर रोड की तो संख्या देखो कैसी हो रही है कि ठीक है कराते हैं ऐसे कहते कराते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो पूरा रोड जगह 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 टूटा हुआ है, गड्ढे पड़े हुए हैं, टम्पू आते हैं, ट्रक आते हैं, पानी का टैंकर आता है वो फंस जाता है, छोटी गाड़ियां आती हैं वो फंस जाती हैं, है जी, निकलने का कोई वो नहीं है। बड़े मुद्दे हमारे यहाँ पर, एक तो पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है, पानी की समस्या है, और अपने रोड की समस्या है, ठीक है, और साफ सफाई की समस्या है। आप देखो हमारे सेंटर पार्क जितने भी हैं सारे के सारे बेकार पड़े हुए हैं, कोई यूज नहीं, उसमें बच्चे भी खेलते हैं, मतलब पहले था उसमें कपड़ पे तो लगे होते इसमें, लेकिन अब बिल्कुल ही बेकार हालत में है चर्चा में। मेरा तो सबसे बड़ा मच्छर है, वैसे तो डेंगू से इतने डर रहे हैं कि डेंगू से बचाव करो, और एक बार भी अभी तक एक बार भी गाड़ी नहीं आई है मच्छर की, जो इलाके में राउंड होना चाहिए ना मच्छर का। सब वोट के लिए आते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते जी, वोट डलवा दीजिए। दिल्ली का प्रदूषण भी एक मुद्दा होगा इस चुनाव में। दिक्कत है, बहुत परेशानी है, सांस लेने में दिक्कत है,